हेलो एवरीवन। तो कल मैंने मेरे मायके का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो कल मैंने पार्ट वन शेयर किया था, आज मैं पार्ट टू शेयर करने वाली हूँ। और अभी यहाँ तारा और मेरा भतीजा भव्य दोनों ही खेल रहे हैं लट्टू से। तारा को लट्टू उसे खेलना नहीं आता है तो वो देख रही थी, और मेरा भतीजा अच्छे से ये लट्टू चला लेता है। और किन किन लोगों ने बचपन में ये खेल खेला है और ये लट्टू चलाया है मुझे कमेंट में बताना। तो देखना, ये बहुत अच्छे से ये लट्टू फिर आता है और ये अच्छे से इससे खेलता भी है। फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पुराने वाले घर। तो अभी मैं और धारा के पापा आ गए हैं मेरे पुराने वाले घर पर। तो पहले मेरा भाई शादी जब उनकी हुई थी तब ये यहीं रहता था, 2 साल से ही वो वहाँ शिफ्ट हुआ है दूसरे घर में। तो ये 7 या 8 साल पहले ये घर बनाया है मेरे भाई ने, पहले यहाँ भी पुराना घर ही था। आप देख सकते हो अभी लाइट नहीं है, सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और पूरे घर में अच्छे से फर्नीचर किया हुआ है। और ये पक्का मकान है, पहले यहाँ पुराना वाला मकान था, कच्चा जो आता है वो वाला। तो अभी तो ये नया बनाया हुआ है आप देख सकते हो। और अभी मैंने 1 महीने पहले ही यहाँ पेंट करवाया है। यहाँ पर किराएदार रहते थे पर उन लोगों ने बहुत ही गंदा कर दिया था पूरे घर को, तो फिर हमने उसे खाली करवाया और अच्छे से पेंट करवा लिया। यहाँ पर देख सकते हो अलमारी और ऊपर जो स्टोरेज है वहाँ पर सारे में फर्नीचर किया हुआ है आप देख सकते हो। ये शोकेस बनाया हुआ है, पर अभी यहाँ मेरे भाई को जगह कम पड़ रही है इसी वजह से। और यहाँ आप देख सकते हो ये मेरी ताई जी है, मेरे ताऊ जी जो बड़े वाले ताऊ जी है उसकी बीवी, मेरे पापा से जो बड़े भाई है उनकी वाइफ है ये। तो ये मेरी ताई जी है, तो वो मेरा आवाज़ सुन के आ गई थी यहाँ। और अभी यहाँ लाइट नहीं है क्योंकि अभी कोई रहता नहीं, इसी वजह से हमने लाइट कटवा दी है। और शाम के 7 बज गए थे तो अभी अंधेरा हो रहा था। और यहाँ पर है ये छोटा सा किचन, यहाँ पर भी अच्छे से फर्नीचर से ये पूरा कवर किया हुआ है आप देख सकते हो। छोटा सा है पर काफ़ी स्टोरेज है इसमें, सारी जगह सारी चीज़ें यहाँ अच्छे से रख सकते हैं। और यहाँ सामने आंगन है, पहले यहाँ एक रूम हुआ करता था पर मेरे भाई ने यहाँ से वो निकाल दिया क्योंकि उसके पास 7 से 8 गायें थी तो यहाँ ये रख नहीं सकता था आप देख सकते हो। इतनी सी जगह में इतनी सारी गायें कैसे रखता, तो इसी वजह से ये मकान ये घर उसने छोड़ दिया। और 2 साल पहले ही वो वाला उसने ख़रीदा है, तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा का ऐसा ही ये पड़ा है घर। तो अभी धारा के पापा और मेरी ताई जी दोनों कुछ बात कर रहे हैं और मैं उसका वीडियो बना रही थी। तो चलो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ऊपर भी एक रूम है। और ये अभी धारा के पापा दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। तो मेरी ताई जी वो टॉर्च लेकर आई थी कि देखने में दिक्कत ना पड़े, पर उससे पहले तो मैंने वीडियो बना लिया था। तो चलिए ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर, और छत पर भी एक कमरा बना हुआ है, ये पक्का नहीं है कच्चा है। यहाँ पहले ये गायों का चारा भरते थे यहाँ पर। और ये देखो सामने से ऐसे ही कच्चे पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं सभी के, बहुत कम ही पक्के मकान होते हैं यहाँ पर, सभी के घर कच्चे ही है। और ये वाला जो घर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भी हमारा ही घर था, पर जब मेरे दादा की डेथ हो गई उसके बाद मेरी दादी ने इतना हिस्सा बेच दिया। यहाँ पर मेरे छोटे चाचा रहते थे और यहाँ जो जहाँ आपको धारा के पापा और मेरी ताई जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे पापा रहते थे। और सामने जो घर दिखाई दे रहा है वो मेरे ताऊ जी का है। तो यही मैं बता रही थी आपको, यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था तो अभी तो वो हमारा 50 या 55 साल पुराना घर है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ तो मुझे सांस चढ़ गई है। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
तो चलो अभी मैं जा रही हूँ घर, आप देख सकते हो। आई माओ माओ, स्वीटी को बुलाओ, स्वीटी चली गई। स्वीटी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, स्वीटी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और अभी यहाँ स्वीटी सेव खा रही है, उसे सेव बहुत पसंद है खाना। हालांकि उसने एक कटोरा भर के दूध पी लिया है, उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ये इतनी सी सेव खा लेती है, फिर ही यहाँ से जाती है। यहाँ से जाती नहीं, ये पूरे घर में ऐसे ही घूमती रहती है। जब भी मेरा भाई गायों का दूध निकाल लेता है, यहाँ ही यहीं पर ही ये गलियारे में ही दूध रखा हुआ होता है, भिगोने में या बड़ी सी बाल्टी में, पर किसी में भी ये मुंह नहीं डालती। जब तक मेरी भाभी इसे कटोरों में दूध नहीं दे देती, तब तक ये किसी भी चीज़ में मुंह नहीं लगाती और छूती भी नहीं है। और ये पूरा दिन ये हमारा गोवर्धन आप देख सकते हो इसके साथ ही खेलता रहता है, इसकी पूंछ खींचता है, इसके ऊपर बैठ जाता है, इसके कान खींचता है, पर ये कुछ करती नहीं है, कभी काटती भी नहीं है। ये 5 या 4 महीने से ही इनके पास ही है, यहाँ से जाती भी नहीं है। कई बार मेरे भाई ने कोशिश की है यहाँ से निकलने की, पर ये घर छोड़कर जाती ही नहीं है। तो पूरा दिन ये गोवर्धन के साथ खेलती रहती है, और ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी स्वीटी। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ। हालांकि खाना पीना तो अभी कुछ बनाना नहीं है और खाना भी नहीं है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो सभी लोगों को जय माता दी। और अभी मैं चाय बनाऊंगी, मैं और धारा के पापा अभी चाय पियेंगे। उपवास वाला खाना हम नहीं खाते रात को, आज दोपहर से कल दोपहर एक टाइम ही खाना खाते हैं, 9 दिन तक ऐसे ही मैं नवरात्रे करती हूँ। तो अभी धारा को कुछ बना दूंगी, धारा जो कहेगी वो। अभी टाइम कितना हुआ है, 9:30 बजे है। तो अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। ये जो पहले वाला घर था जहाँ पर गायें रखी हुई है और बड़ा सा आंगन है, ये हमने मेरे भाई ने लॉकडाउन में ही ख़रीदा है, क्योंकि ये उनके बजट में था और जगह भी बहुत ज़्यादा थी, जितनी उन्हें चाहिए थी उतनी जगह थी। तो फिर मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि ये वाला घर मैं ख़रीद लेता हूँ और वो वाला घर मैं किराए पे दे देता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो अभी तो वहाँ पर कोई किराएदार नहीं रहते, क्योंकि 2 महीने पहले ही हमने वो घर खाली करवाया है। जो पहले किराएदार रहते थे उन लोगों ने इतना घर गंदा कर दिया था कि पूछो ही मत, हमें पेंट करवाना पड़ा, इतना घर गंदा कर दिया। और वॉशरूम के टॉयलेट के दरवाजे भी तोड़ दिए और इतनी गंदगी मचा दी थी कि पूछो ही मत। 3 दिन लगे मेरी भाभी को वो पूरा घर साफ करने के लिए। एक तो पहले से ही उनके पास टाइम नहीं होता है, 2 बच्चे संभालना, गायों का काम करना, फिर घर का काम करना, और उसके बाद ये वहाँ वो घर की साफ़ सफाई करना। 3 दिनों तक वो वहाँ पर गई, उसने अच्छे से घर को साफ किया, उसके बाद हमने पेंट करवाया। और उसी घर में मेरे भाई की शादी हुई थी, और उस घर को बनाए हुए अभी 7 या 8 साल ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। वहाँ पहले पुराना ही घर था, जैसा ये आपने देखा आगे जो पुराना घर था, कच्चा वाला मकान, वैसा ही था, मेरे दादाजी ने बनवाया था। तो वो पुराना ही मकान घर था, तो फिर मेरे भाई ने वो तोड़वा के फिर वहाँ पर नया घर बनवाया, और सामने भी रूम था वो भी निकलवा दिया। फिर भी जगह कम पड़ रही थी, क्योंकि गायें उसके पास डंगर ज़्यादा थे, तो वहाँ पर ये रख नहीं सकता था, इसी वजह से फिर हमने वो घर अभी तो फिलहाल ऐसे के ऐसा ही रखा है। अभी सोचेंगे क्या करेंगे, किराए पर देंगे या बेच देंगे। तो अभी तो मैंने और मेरे भाई ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी सोचते हैं क्या करूँगी। तो अभी तो ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। उस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बचपन की और मेरे भाई की शादी की, मेरी दादी की, मेरे पापा की, क्योंकि ये बहुत पुराना घर था मेरे दादा का।
तो इसी वजह से, तो देखते हैं क्या करते हैं। और आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई, बस तो यही बात करनी थी। तो अभी मैं और धारा कहता पापा चाय पियेंगे और धारा को भी कुछ बना के दूंगी। तो आप लोगों को मेरे मैके का वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आपके साथ आगे भी ऐसे शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार तो मेरे भाई के घर जाती हूँ, क्योंकि मैं मेरे भतीजों के मुँह देखे बिना नहीं रह पाती हूँ। मुझे उनके साथ खेलना और उसे भी मेरे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वो हर रोज़ वो मुझे वीडियो कॉल तो करते ही है रात को, बुआ तुम क्या कर रही हो। नो, मेरे भतीजे मेरे दिल के बहुत ही करीब है। बस अब ज़्यादा नहीं कहूँगी, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। जितना भी हो सके उतना मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए। तो बस यही बात करनी थी। तो कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट, जय माता जी, बाय बाय, गुड नाइट।